कैसी लग रही है? फिर ठीक है, फिर ठीक है। अच्छा मेरी चॉइस तो अब भी हो, आप भी तो बड़े प्यारे हो। सो गाइस अब हम दिखाएंगे बाइक अपनी है। फाइनली गाइस 1 2 3 सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है गाइस हमारे घर से। बाकी आज का जो सीन रहने वाला है वो बहुत ज्यादा खतरनाक रहने वाला है गाइस। बाकी आपको बताऊं गाइस, बाहर ना इतना ज्यादा शोर है ना, तो इसलिए मैं बाहर वीडियो नहीं बना रहा। तो मैंने सोचा रूम से ही स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो। बाकी गाइस चेक करो, मैंने अपना न्यू वाइजर चेंज करवा लिया है। ये वाइजर ना इतनी ज्यादा स्क्रैचेस पड़ गए थे ना इस पे, तो मैंने न्यू लगवा लिया और अभी तक मैंने इसका स्टिकर भी नहीं उतरवाया। सबसे पहले इसमें गाइस मैं लेमिनेशन करवाने वाला हूँ, फिर उसके बाद लेमिनेशन के बाद इसका स्टिकर उतरवाऊंगा। मतलब लेमिनेशन से पहले ही उतरवाना पड़ेगा वो गाइस। आपको जैसे कि पता है हमारी बाइक एना का हो चुका है रैप, तो गाइस रैप आज मैं तनु को रिवील करूंगा और तनु का एक्सप्रेशन और रिएक्शंस देखते हैं तनु के कैसे रिएक्शंस आएंगे, क्योंकि गाइस तनु ने अभी तक रैप नहीं देखा है। और गाइस मैंने अभी ना फैमिली को तो दिखा दिया, बट मम्मी पापा के रिएक्शंस बहुत प्यारे आए। उन्होंने कहा कि यार बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है। बाकी मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि यार अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, बट घर वालों को अच्छा लगा तो फिर यार सबको ही अच्छा लगेगा। बाकी देखते हैं कैसा रहता है। बाकी आप सबको कैसा लगेगा ये सब आप के कमेंट्स पे डिपेंड करता है। आप सबने बहुत सारे कमेंट्स करने हैं और बताना है मेरे को कि भाई कैसा रैप लग रहा है। बाकी गाइस अभी ना मैं सबसे पहले अभी थोड़े बहुत काम रह गए हैं रैप में, थोड़ी सी चीजें उसमें पेंडिंग है जो हमने अभी करवानी है, तो वहां पे चलते हैं। तो रैप का थोड़ा थोड़ा काम है वो कंप्लीट करवाते हैं, फिर उसके बाद पिक करेंगे तनु को और फिर तनु को करेंगे रिवील आज हमारा एना का रैप। बाकी चलते हैं सीधा नीचे एंड करते हैं अपनी एना को कोल स्टार्ट, खूबसूरत एना को कोल स्टार्ट। चलो गाइस चलते हैं। सो फाइनली गाइस निकल पड़ा मैं घर से। बाकी गाइस आप सबको थोड़ा सा रिवील हो ही चुका होगा, ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा, बाकी ज्यादा अभी रिवील नहीं करेंगे। ये है कि हाँ यार मैंने अभी तो बड़े सारे काम करवाने हैं इस पे, बड़ी सारी चीजें और करवानी है जो अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो फुल बाइक आपको दिखाऊंगा और तब आएगा असली मजा। बाकी तो अभी मैं यार 21 सेक्टर जाना है, मैंने वहां से थोड़े से काम करवाने। यार मैं उस दिन रात को ही बाइक ले आया था तो वहीं पे मैंने रिवील करनी थी, बट मैं रात को ही बाइक ले आया था तो उसकी वजह से यार मैं आप सबको वहां पे रिवील नहीं कर पाया। तो अभी तो देखो यार चेक करो यहाँ पे कितनी ज्यादा ट्रैफिक है भाई, और ट्रैफिक के रिएक्शंस देखो भाई, देखो कैसे देख रहे हैं भाई, भाई रिएक्शंस बड़े प्यारे आ रहे हैं। ये बात तो है, ये देखो भैया को मतलब कॉन्फिडेंस आता है जब कोई बाइक देखता है ना और फिर उसके बाद यार अच्छा प्यारा सा रिएक्शन देता है, तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है और खुशी सी आ जाती है कि हाँ यार अच्छी चीज लग रही है, मतलब अच्छी प्यारी लग रही है। बाकी आज का मौसम यार बड़ा ज्यादा प्यारा हो रखा है गाइस, ना धूप है ना ज्यादा गर्मी है, तो सही सही मौसम है। बस ज्यादा इससे धूप ना हो, इससे ज्यादा मतलब इससे ज्यादा गर्मी ना हो, तब तक सही है। देख के भाई ट्रैफिक चेक करो गाइस, ट्रैफिक बड़ी ज्यादा है यार, ट्रैफिक ना हो ना फिर आए मजा से भी ज्यादा। बाकी गाइस मैंने ना अभी 3-4 चीजें और करवाई हैं, अपने हेलमेट में भी अपग्रेडेशन करवाई है, वो भी आपको दिखाऊंगा। इसमें ना माउथ पीस ना मेरे से गिर गया था, तो मैंने न्यू माउथ पीस लगवाया इसमें, तो उससे ना अब प्रॉपर मेरी नाक तक हवा नहीं आ रही है। पहले क्या हो रहा था, सीधा ही नाक पे बजती थी और सीधा माइक पे आवाज आती थी, अब इतनी आवाज नहीं आएगी। थोड़ा सा मेरे को लगता है सही हो गया होगा सीन, बाकी वीडियो देख के ही पता लगेगा कि कैसा हो गया होगा। भाई ये रोड पे आता है असली मजा यार, ये रोड है भाई खतरनाक वाली, क्योंकि इस पे पता क्या लीन भी है प्यारे प्यारे से, और गाइस ऊपर से ना दोनों साइड पेड़ है और ग्रीनरी बड़ी ज्यादा है, आंखों को ना बड़ा यार सुकून मिलता है यार, पता नहीं क्यों यहाँ पे, और प्यारा सा लगता है भाई। भाई आज का जो रिएक्शन होगा ना तनु का वो बड़ा ज्यादा खतरनाक होगा यार, और एकदम से शौक ही हो जाएगी तनु को, क्या बनवा दिया अपने बाइक को यार। भाई मैं रिएक्शन देखने के लिए ना बहुत ज्यादा खुश हूँ आज तनु का, और रिएक्शन अच्छा भी आना चाहिए। बाकी देखते हैं जैसा भी रहता है सीन गाइस। 1000 years later भाई चेक करो, ये मैंने चेंज करवा दिए लीवर जो टूट चुके थे और बड़ी मुश्किलों से मिले हैं भाई, क्या प्यारे लग रहे हैं। सो फाइनली गाइस इतनी देर के बाद गाइस हमारा ना सारा काम हो चुका है, जो जो मैंने करवाने आया था इस पे तो सब कुछ ही हो चुका है, वो ऑलमोस्ट डन है, हमारी कंप्लीट है, बस आना हमने रिवील करनी है गाइस। बाकी इस टाइम तो हो चुकी है रात, अब हमें करनी पड़ेगी शायद सुबह। बाकी अभी हम मैं जा रहा हूँ घर। बाकी गाइस तनु का जो रिएक्शन होगा ना वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा, और आई होप आप सबको भी प्यारी लगे, और प्यारी लगनी भी चाहिए गाइस, क्योंकि हुआ ही बहुत प्यारा है यार, मजा ही आ गया यार करवा के, यार जो जो काम करवाया ना मैंने, इतने ज्यादा रिएक्शंस आ रहे हैं ना इस बाइक को यार, मजा आ रहा है देख के लोगों के रिएक्शंस को। अब से पहले तो यार बहुत सारी फोटोज भी क्लिक हो चुकी है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार कभी रिवील ही ना हो जाए यार हमारी पहली बाइक, और सारा सस्पेंस खत्म हो जाए।
सो फाइनली गाइज निकल पड़ा मैं घर से। बाकी गाइज आज का जो डे है गाइज वो बहुत ज्यादा स्पेशल है हमारे लिए। जैसे कि आप सबको पता है कल मैं गया हुआ था अपने भाई का थोड़ा बहुत काम करवाने, जो बचा कुचा रह गया था वो मैंने करवा लिया था कल रात। तो गाइज अब चलते हैं सीधा तनु के पास, तनु का रिएक्शन चेक करते हैं गाइज की तनु का कैसा रिएक्शन आता है हमारी बाइक को देख के और हमारे न्यू रैप को देख के गाइज। बाकी गाइज मैं ना तनु के घर के पास पहुंच चुका हूँ और सामने ना हो यहीं पे पहले, अरे वही खड़ी है, वो क्या कर रही है वो देखो गाइज क्या कर रही है, उसको झटका लगने वाला है एकदम से झटका लगने वाला है। हेलो क्या है, कैसी लग रही है? हाय ना हेलो सीधा बो यार। गाइस चेक करो तनु का एक्सप्रेशन यार, तनु का एक्सप्रेशन देखो कैसी कैसी लगी आपको? बहुत खतरनाक लगी यार, बहुत ज्यादा खतरनाक है। हेलो गाइस कैसे हो आप सब? यार बहुत खतरनाक, रिवील कर देनी चाहिए, कर दो रिवील। अभी नहीं करो, सनपॉइंट पे करेंगे। सनपॉइंट पे करेंगे? तो सनपॉइंट जाएंगे या एयरपोर्ट रोड जाएंगे? कहीं पे भी चलो, एयरपोर्ट रोड जाना है तो बताओ एयरपोर्ट रोड। भाई मेरे को नहीं यकीन था कि इतना प्यारा रिएक्शन आएगा आपका यार। ये बहुत प्यारी लग रही है, बहुत ज्यादा प्यारी है, सच बताओ। इसकी तो लुक ही बदल गई, ये तो कुछ और ही लग रही है अब। यार ये लग ही नहीं रही है ना, है ये तो कैसी लग रही है? अरे वो जो बड़े बड़े से वो नहीं होते जिसमें रेसिंग बाइक्स भागती है, खतरनाक लग रही है बहुत यार, सच में। चलो फिर ठीक है, फिर ठीक है। अच्छा मेरी चॉइस तो आप भी हो, आप भी तो बड़े प्यारे हो। खुश होगी गाइस, खुश होगी अपनी तारीफ सब सुन के, खुश होगी एकदम से। नहीं मिलेगी, चलो गाइस तनु के तो रिएक्शन खत्म ही नहीं हो रही है और इसके तो रिएक्शन देख देख के फिर से निकले जा रहे हैं। इसलिए हम ऐसे करते हैं, चलते हैं सीधा स्टन पॉइंट और फिर आप सबके रिएक्शंस देखते हैं। स्टन पॉइंट जाए ना, स्टन पॉइंट। सो गाइस चलते हैं अभी स्टन पॉइंट और आप सबके रिएक्शंस देखते हैं कैसे आते हैं रिएक्शंस आप सबके। और बाकी चलो गाइस चलते हैं, चलो गाइस। भाई बहुत प्यारे प्यारे रिएक्शन आ रहे हैं, कसम से बहुत ज्यादा रिएक्शन आ रहे हैं यार, मैं खुद हैरान हो रहा हूँ कि इतनी ज्यादा प्यारी लग रही है ये यार। और आपने एक और चीज तो चेक नहीं की, चलो वहीं पे बताऊंगा आपको यार स्टन पॉइंट पे। चलो सो फाइनली गाइस हम स्टन पॉइंट पहुंच चुके हैं, बाकी गाइस उस साइड चलते हैं और वहां पे जाके करते हैं रिवील अपनी ऐना को और आप सब भी खुश हो जाओगे गाइस देख के कि इतना प्यारा रैप हो चुका है और बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है भाई मुझे तो। बाकी चलो गाइस चलते हैं अंदर जहाँ पे हम स्टंट्स वगैरह करते हैं। सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं स्टन पॉइंट और बाइक अभी आपको दिखने वाली थी। नहीं सो गाइस अब हम दिखाएंगे बाइक अपनी है, दिखा दे। 1 2 3 देखो नहीं दिखाएंगे मजाक कर। सो गाइस अभी राहुल दिखाएंगे, थोड़ी थोड़ी दिखेगी आपको। ओह शिट ये तो दिखाने नहीं थी। सो गाइस ओ सो फाइनली गाइस 1 2 3 गो। फाइनली गाइस आई होप आप सबको ये बहुत ज्यादा प्यारी लगी होगी सिनेमैटिक शॉट्स एंड हमारी याना का रैप। बाकी गाइस मैं इसमें बताता हूँ आपको मैंने क्या क्या चेंज करवाया, इसका क्या क्या नहीं करवाया। बाकी गाइस चेक करो, हमने पूरा ही रैप करवाया है और इसमें बड़े सारे अपना
चैनल नेम लिखवा है, यहाँ पे विनीत एंड प्रेरणा, यहाँ पे यूट्यूब का लोगो गाइस, और सबसे मेन चीज गाइस गियर लीवर क्लच लीवर जो मैंने चेंज करवा दी है। अब चेक करो यार G310 के कितने प्यारे लग रहे हैं। बाकी गाइस मैंने यहाँ से अपने मिरर्स उतरवा दिए हैं और नंबर प्लेट वाला उतरवा दिया है और यहाँ पे अपना नंबर लिखवा दिया है गाइस। हमारी बाइक का नंबर आ चुका है यहाँ पे। अगर आपको प्यारी लगी हो गाइस तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। बाकी गाइस चेक करो गाइस मैंने यहाँ पे अपना लकी नंबर भी लिखवाया है 07। और गाइस यहाँ पे चेक करो भाई, क्योंकि मेरी सारी कारों के नंबर है 0725, बाइकों का भी सारियों का, बट इसका नंबर आया 0525। तो गाइज इसका उल्टा आया है, ये एक नंबर की मिसिंग हो गई है, ये पता नहीं कैसे हुई है। मैंने पापा को ये बोला था 0725 ही लेना और पापा भी 0725 ही लेने गए थे, बट यार पता नहीं क्या सीन हुआ 0525 आ गया, पता नहीं कैसे हुआ कैसे नहीं, और अब ये चेंज भी नहीं होगा। तो गाइज कोई नहीं, मैंने फिर सोचा कि ये 0525 ऐसे ही रहने देते हैं और हम यहाँ अपनी बाइक पे 07 लिखवा देते हैं। बाकी गाइज मैंने वहाँ पे आगे लिखवा दिया है। बाकी यहाँ पे चेक करो गाइज हमारी ऐना क्या बदल चुका है, इसका तो रंग रूप बदल चुका है भाई, ऐना की जगह ये कुछ और बन चुकी है गाइज, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है यार कसम से।